ਤੇ ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੰਦੀ ਕਰਤੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਬੀੜੀ, ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਤਮਾਕੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲਾ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। एक बंदा बात करेगा। ओ एक मिनट, कमरे में का तो स्टे करिए आप लोगों ने 12 तारीख से, उसके बाद आपने कभी यहाँ पे एंट्री करवाई है? सब कुछ भी हम लावांगे भी। आप गलत गाड़ी के अच्छा उसके बाद न्यू बताओ आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? 12 तारीख से रह रहे हैं। 15 हो गया, ठीक है। कितने जने रह रहे हैं? 17 आदमी दिन रात स्टे कर रहे हैं। यो भाई रिकॉर्ड करके मैनेजर नु दिखानी है। यो 18-12 ते उधर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी इस करतूत की करड़े शब्दों में निखेधी की। उन्होंने कहा है कि हरियाणा कमेटी वालों पुलिस वाड़ के जो धार्मिक अवज्ञा की गई है वह बेहद निंदन योग है। इसलिए श्री अकाल तख्त साहब के सरबराह सिंह साहब ज्ञानी रघुवीर सिंह इन्हों खिलाफ़ सख्त तो सख्त कार्रवाई करे ता जो अगे तो कोई अजिहा करन तो पहला 100 बार सोचे। वाहगुरू जी का खालसा, वाहगुरू जी की फतेह। खालसा पंथ लिए एक बहुत वड्डी चुनौती जिहड़ी साडे सामने आई है और यह गल बड़ी शर्मनाक हैगी कि हरियाणा कमेटी दे मौजूदा प्रबंधकों वालों किसानी मोर्चे के खिलाफ जिहड़ियां हरियाणे दे पैरामिलिट्री फोर्सिस ने उन्हां नूं गुरद्वारा मंजी साहब अंबाला और पंजोखड़ा साहब इन्हां स्थानां दे उत्ते ठहराया गया और उत्थे इन्हां पैरामिलिट्री फोर्सिस दे जिहड़े जवान ने उत्थे रहे ने उन्हां ने गुरद्वारा साहब दीआं सरावां दे विच शराब दा, जरदे दा, सिगटां बीड़ियां दा इस्तेमाल कीता और जिहड़ी शेविंग करन वाले जिहड़ा समान आ उत्थों बरामद कीता गया। संगतां दे रोह तों बाद, संगतां दे विरोध तों बाद अंबाला दे गुरद्वारा मंजी साहब तों तां उत्थों जिहड़ियां पैरामिलिट्री फोर्सिस हैगियां उन्हां नूं हटा दित्ता गया पर पंजोखड़ा साहब जिहड़ा हैगा उत्ते अज वी जिहड़ियां संगतां ने उह इस गल दे खिलाफ धरना ला के बैठियां ने और वड्डी गिणती विच आले दुआले दे पिंडां तों जिहड़ियां संगतां ने उह अंबाला दे जिहड़ा पंजोखड़ा साहब गुरद्वारा उत्थे पहुंच रहियां ने और उत्थों संगतां नूं कढ़न लई जिहड़ा हैगा प्रबंधकां दी शह दे उत्ते जिहड़ा उत्थे दी पुलिस हैगी आ उह अज खट्टर सरकार दी शह दे उत्ते उन्हां दे उत्ते जिहड़ा जबरदस्ती करन नूं तैयार बैठी है। मैं समझदा कि इह सानूं बहुत वड्डी चुनौती है खालसा पंथ नूं और श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ी है उह इस गल दी सख्त शब्दां च निंदा करदी है और हरियाणे दी संगत नूं असीं इस गल दा विश्वास दवाने कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी अज भी उन्हां दे नाल खड़ी है और मैं समझदा कि जिहड़ी खट्टर सरकार है उहनूं अपणियां इहो जिहियां हरकतां तों बाज आना चाहीदा है। गुरद्वारा साहब जिहड़े ने उहदे विच जिहड़ी मर्यादा हैगी आ उह इस कमेटी ने पूर्ण रूप विच भंग कीती आ उहदे लई इहनां नूं वी श्री अकाल तख्त साहिब ते तालुक कीता जाणा चाहीदा और इहनां दी जवाबदेही होणी चाहीदी है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।